लगा, एसडीएम साहब तो बताने लगे। सीतापुर रोड बड़ियाव थाने के पास इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, रेलवे क्रॉसिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आज एलडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर यहाँ पर जो मकान अवैध उनको तोड़ने का जो आदेश हुआ था उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई जारी है। सुबह से ही कार्रवाई चल रही थी और कई टूटी झोपड़ियों को बुलडोजर भी चल चुका है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरसती। मेरे पति का नाम रामचंद्र, विकलांग है सर। तीन बेटी शादी करने, दो बेटी एक बेटा। मेरा पति दोनों आँखों से नेत्रहीन, मैं भी इधर देख लो सर, मैं भी विकलांग हूँ। हमको पता नहीं चला, सारी सामान गिरा दी ने, उठा ली ने, सारी मेरी सामान उठा लिया। अभी सब लोग देख रहे हैं, अभी अमान साहब उठवा दिन गाड़ी लगवा कर। ये देखो मेरा पति विकलांग, छः बच्चे हैं मेरे। मैं यही जगह पे दुल्हन बन के आए थे सर, मैं बूढ़ी हो गए, 60-70 साल की उम्र हो गए हमारे। यही जगह पर हमको बर्बाद कर दिया, अब हम कहाँ लोन रोटी जो खाते रहे भैया, कमाते खाते रहे। इस जगह से हमको उजाड़ दिया, सारे बर्तन बड़वा सारी गृहस्थी मेरी भर के ये लोग डाला से भेजवा दी। सब लोग देख रहे हैं, अभी अभी हमारे हम भैया वहाँ से गोमती नगर से आ रहे हैं। हमको किसी ने खबर बताया तब हम आए, बहुत परेशान है। बेटी सब शादी करे वाली, सब जवान 25-30 साल की लड़की होनी जाती सर, होगी मोदी ने गिरवा दिया। उसके साथ हम लोग इतनी मदद किया, मोदी होगी बोल के गए थे कि जो झोपड़ बट्टी नहीं आई, मलिन बस्ती है, या गरीबों की गिरना नहीं चाहिए। हम लोग मिलकर वाट दिया, नहीं जीते तो हम क्या कर सकते सर, हमारी बताओ क्या हमारी कमी है। हम लोग बहुत परेशान, ये मलिन बस्ती सब लोग मिलकर वाट दिया, आज घर से बेघर कर दिया। हमको रहने को आवास चाहिए, आवास नहीं, बच्चे लेकर जान दे देंगे इसी जगह से, हट के नहीं जाएंगे। मेरा पति भी विकलांग है, मेरे साथ मौजूद है, जान दे देंगे। हम तो यहाँ रह रहे करीब 35 साल से। क्या क्या सुबह कितने बजे हुआ, कैसे क्या? मैं तो अभी आया, 11 बजे से कार्रवाई चालू हो रही है यहाँ पे, सभी के मकान गिराए जा रहे हैं टोटल। अभी कार्रवाई रुकी हुई है, क्या हुआ है? हाँ अभी फिलहाल अब 5 बज गया, सरकारी टाइम ही खत्म हो गया, तो इसीलिए बंद कर दिया है। ठीक है, ये लोग बेचारी 35-35 साल से 40-40 साल से रह रही है। देखिए मेरे साथ सर, ये देख लो, ये जो शुगर की दवाई मेरे सारे सामान नहीं उठावा देने, धक्का मार मार पुलिस वाले को मारे, लाठी डंडा चलाए पुलिस वाले, लाठी भी चलाया, हाँ लाठी भी चलाया, गुम्मा भी चलाया पुलिस वाले, मारे खूब सामान नहीं उठावा देने। यहाँ 40 साल हो गए हमको आने, कभी कोई इसका नोटिस आया था? नहीं, कभी नोटिस नहीं आया। अचानक में आए, कह रहे लाठी डंडा चलाने लगे, लाठी डंडा चला के ये बताओ धक्का मार के बिठावा के मेरा चोट लगा, गिरा दी नहीं आती पुलिस वाले सब। पुलिस वाले कह रहे थे अगर बोलोगी तो मार डंडा सबको छोटा लगा। हां पुलिस वाले धमकिया बताई थी, जो हमारी सीएम साहब हमसे कह रहा है डंडा तुमको हवाई पिटाई करेंगे। एसडीएम साहब उस जगह बैठे रहे, लेडीज पुलिस बुलाई, हमरे डंडा रखिया दिन पेट में, हट हट इसको हटाओ ना भाई, इसको साली को मारेंगे। उसकी माँ बेटी बहन नहीं है, वो भी बर्बाद हो जाएंगी। हम तो गरीब सर। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम बलवंत सिंह है, हम लोग यहाँ से सर। यहाँ पर सर क्या नाम? सर बलवंत सिंह नाम है हम लोग का। सर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है ना, वहाँ से सर ये एलडीए को और नगर निगम को कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि इनको बसाइए। इनको क्यों नहीं बसाया जा सकता है, ये मतलब जो है प्रशासन के तरफ से, हाई कोर्ट के तरफ से इनको आदेश था। इनको इन्होंने सर्वे भी यहाँ पे किया कि, लेकिन इन लोगों ने सर्वे रिपोर्ट वहाँ कोर्ट में सबमिट नहीं की, लेट करते गए और मामला पेंडिंग करते गए। ये मामला हम लोगों का 2014 से चल रहा है और आज जो है इधर में इन लोगों ने क्या चलाकी की है कि ये जो है इन लोगों ने ये किया कि हम लोग जो है सर यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं तो हम लोग ज़्यादा कोर्ट वोट का खर्चा नहीं बहन कर सकते है ना,
तो इसके वजह से इन लोगों ने फटाफट नोटिस वहाँ पे अपना डेट लगवा कर मेरा दुकान है टूट गया है, मेरा दुकान पूरा तोड़ दिया गया है। मेरा नाम अंकुर अवस्थी है, मैं सह प्रभारी ट्रांसपोर्ट यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ऐसा है ये इनका जो रिट है हमारा 12 तारीख को डेट था, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है। पहला अगर कार्रवाई आप करते हो तो पहले नोटिस दीजिए। हम लोगों को सामान निकालने का टाइम नहीं मिला है, सारे लोगों का सामान उसी में टूट गया है, सारे बच्चे सब बाहर सामान पड़ा है, सारे बच्चे इधर उधर मतलब बिल्कुल भीड़ कर दिया। और मेरा रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस मामले को तुरंत संज्ञान में ले, क्योंकि इसमें जो है ये भूमाफियाओं का खेल है। इसमें राजू गुप्ता जो किसान नेता हैं वो अपने आप को किसान नेता बोलते होंगे, लेकिन वो एक भूमाफिया का ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूरी जो है ये जमीन इन्होंने चबूतरे के लिए जमीन अलॉट की है। जो 84 चबूतरे अलॉट हुए हैं उसमें जो है 24 चबूतरे बिक चुके हैं, वो ऑलरेडी बिक गए हैं। जब किसानों को जमीन दे रहे हैं और हम लोग अपनी जमीन हमारा पहली बात तो कोर्ट हमारा पेंडिंग चल रहा है। इन्होंने पेंडिंग कोर्ट पे हाईकोर्ट ना जाकर यहाँ पे आके हम लोगों को हटाने लगे। अगर आपको आना है तो आप ये कोर्ट नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ आके हमारे तोड़ के निकल जाते हैं। अभी 15 दिन पहले आए थे तो हम लोग कोर्ट दिखाए थे, चले गए थे। फिर आज हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ये 12 तारीख को मेरी डेट लगी थी, 12 तारीख को आए थे। मुझे बस एक ही बात कहनी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हम लोगों ने उनको वोट दे के दोबारा जिताया है, हम उनसे गुहार करें कि आपका ऑर्डर चाहे ऊपर जो कुछ दे रहे हूँ अधिकारी आपका पालन नहीं कर रहे हैं, वो सीधे गरीब जनता पर छोड़ कर रहे हैं और उसका नतीजा आप देख चुके हैं। 2014 में मिला यूपी में और आने वाले समय फिर मिलेगा अगर आप जमीनी स्तर पर कार्य नहीं देखेंगे। आपके यहाँ अधिकारी सुन नहीं रहे कोई बात, और वो जो भी आदमी कोई कर जाता है कहने के लिए कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है, बस केवल अपने नाम मनमानी हुई है, हाई कोर्ट का उल्लंघन हुआ है। मैंने उनसे बोला कंटेप्ट आप कोर्ट आपको लगेगा, सीधे बोल रहे नायब तहसीलदार। अभी कार्रवाई रुकी हुई है? अभी कार्रवाई रुकी नहीं है, वो कल के लिए फिर बोले कल के लिए फिर तोड़ेंगे। हमारा पूरा अभियान है, पूरा पक्के निर्माण जितने भी हैं सब तोड़ेंगे, कच्चे सारे तोड़ दिए हैं और उसमें पक्के भी तोड़े हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि यहाँ पे बिना नोटिस दिए ही इनको यहाँ पे इनके जो मकान है वो तोड़े जा रहे हैं। और अभी लोगों में सुबह से ही प्रभावित मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद थी, अभी यहाँ पर कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रोकी गई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से, मैं दिखाना चाहूँगी सभी दिखाइए कितनी भीड़ है यहाँ पर मौजूद है, सुबह से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको दिखा दूँगा सामान सबके देखिए बाहर रखे हुए हैं, सामान सबके बाहर रखे हुए हैं। और अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जहाँ पर सारे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।